क्वेश्चन है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 2r/√3, फाइंड ऑल्सो मैक्सिमम वॉल्यूम। वैसे सिलेंडर और स्फीयर थ्री डायमेंशनल फिगर है, लेकिन अगर हम एक स्फीयर को और सिलेंडर को आई के लेवल पर लाकर देखें तो हमें ए सॉल्यूशन, हमें ए स्फीयर एक सर्कल के जैसा दिखलाई पड़ेगा और सिलेंडर एक रेक्टेंगल के जैसा दिखलाई पड़ेगा। तो एक स्फीयर है, इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया है। सिलेंडर का रेडियस मान लेते हैं आर, तो इसका डायमीटर 2r होगा, ये डिस्टेंस 2r होगा। सिलेंडर की हाइट मान लेते हैं h है। सिलेंडर मींस राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर माने रेडियस हाइट के बीच, रेडियस और हाइट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, चूंकि ये राइट एंगल है इसलिए इसका जो डायमीटर होगा, ये जो स्फीयर का डायमीटर होगा वो ये डायमीटर होगा। ए पोर्शन एक सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल मतलब ए डायमीटर ए दिया गया है 2r, रेडियस r है तो ये डायमीटर 2r हो गया। अब इस ट्रेंगल में हम देखते हैं 2r² + h² = 2r² पाइथागोरस थ्योरम इंप्लाइज 4r² + h² = 4r² इंप्लाइज r² = 4r² - h² / 4। 4 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा r² - h² / 4। हमें r² इन टर्म्स ऑफ h मिल गया। ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम मान लेते हैं v है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई r² h, पाई r² की वैल्यू है एटम r² - h² / 4 इंटू एच, एच एच है, ए 4 है। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? πr² - πr² h - πh × h² - h³ πy4 h³। अब हम v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h निकालेंगे तो हमारा
dv by deh. Pi r square minus I by 4 into 3 h square. यानी दोनों में अगर हम ए हो गया आई आर स्क्वायर माइनस 3 बाई 4 पाई एच स्क्वायर, ये हमारा वी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच था। हमको डबल डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम डबल डिफरेंशिएशन भी निकाल लें। तो हमारा ए होगा डी टू भी बाई डी एच स्क्वायर। ए कॉन्स्टेंट टर्म है, ए होगा जीरो माइनस थ्री बाई फोर पाई एच स्क्वायर का होगा टू एच, यानी ए हो जाएगा ए फोर से टू टाइम्स कैंसिल माइनस थ्री बाई टू पाई एच। हमें अगर डीवी बाई डीएच को जीरो पकड़ते हैं, डीवी बाई डीएच इक्वल टू जीरो, इसका मतलब पाई डी वी बाई डी एच का वैल्यू है इतना, पाई आर स्क्वायर माइनस थ्री बाई फोर पाई एच स्क्वायर बराबर जीरो। दोनों में हम पाई कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन लेने पर आर स्क्वायर माइनस थ्री एच स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू जीरो। ए पाई जीरो के बराबर हो नहीं सकता, इसलिए ए टर्म जीरो के बराबर होगा। जब ए टर्म जीरो के बराबर होगा तब हमारा थ्री एच स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू फोर आर स्क्वायर बाई थ्री, यानी एच इक्वल टू टू आर बाई रूट थ्री होगा। एच इक्वल टू टू आर बाई रूट थ्री होगा। अब ये जो एच इक्वल टू टू आर बाई रूट थ्री को हम डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर में डालेंगे तो डी टू भी बाई डी एच स्क्वायर एट एच इक्वल टू टू आर बाई रूट थ्री कितना होगा? डी टू भी बाई डी एच स्क्वायर की वैल्यू है माइनस थ्री बाई टू पाई, माइनस थ्री बाई टू पाई, माइनस थ्री बाई टू पाई एच, एच की वैल्यू है 2R बाई रूट थ्री। टू से 2 कैंसिल, माइनस थ्री रूट थ्री से माइनस रूट थ्री पाई R। ए जो है जीरो से कम है, ए जीरो से कम है यानी नेगेटिव है, तो डी वी बाई डी एच स्क्वायर नेगेटिव है। जब एच इक्वल टू टू आर बाई रूट थ्री है, देयर फोर वी इज मैक्सिमम व्हेन एच इक्वल टू टू आर बाई रूट थ्री। हमें दिखाना था कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा
जब h इक्वल टू 2r बाई रूट 3 होगा, हमने दिखा दिया वॉल्यूम मैक्सिमम है जब h इक्वल टू 2r बाई h इक्वल टू 2r बाई 3 है। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा? मैक्सिमम वॉल्यूम ए कितना होगा? हमारा वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच के लिए है 2r बाई 3, 2r बाई रूट 3, वॉल्यूम है पाई स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 एच क्यूब माइनस पाई बाई 4 एच क्यूब, इसका क्यूब होगा 8 आर क्यूब बाई 3 रूट 3। ए 4 से ए कटेगा 2 टाइम्स, तब यहां पर आ गया 2 पाई आर क्यूब बाई रूट 3 बाई रूट 3 माइनस 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब बाई 3 रूट 3। रूट 3, 3 रूट 3 कैल्शियम होगा, 3 रूट 3, रूट 3 का डिवाइड करने पे 3 बचेगा, 3 टू जा 6 पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब, 6 में से 2 जाएगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3 रूट 3, यही मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, यही मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, माने 4 पाई बाई आर क्यू बाई 3 रूट 3 मैक्सिमम, 4 पाई आर 3 रूट 3 मैक्सिमम वॉल्यूम होगा।